मोहनलालगंज कोतवाली प्रभारी पीड़िता की व्यथा सुन गाने लगे गाना। मोहनलालगंज थाना प्रभारी ने दहेज प्रताड़ना महिला को सुनाया गाना और पूछा किस फिल्म का है गाना। पीड़िता का मुकदमा दर्ज करने के बजाय उसको फिल्मों के नाम याद रखने की नसीहत दे डाली। पीड़िता द्वारा और क्या कुछ कहा गया, आइए सुनाते हैं पवन सिंह की इस खास रिपोर्ट में। क्या समस्या आपकी? मेरे ससुराल वाले हमको बहुत मारते हैं जब से शादी हुई है। एक महीना सिर्फ ठीक से रह के दहेज के लिए हमेशा मारते थे। हमारे मम्मी पापा रोज समझा आते थे, लेकिन उस दिन बहुत रात में मारा। चार दिन हमें खाना नहीं दिया, धक्का दे दिया छत पर से। आप थाने में शिकायत दर्ज कराने आए तो क्या हुआ? इंस्पेक्टर साहब गाना गा रहे थे, बता रहे थे ये क्या कौन पागल ने थोड़ा थोड़ा चक्कू मारा। मारता तो पेट में मारता सीधा, ऐसे क्यों लकीरें बनाया, पेट में मार देता सीधे से मर जाती। गाना गा रहे थे वो बैठ के। अभी तक कोई मुकदमा दर्ज हुआ? नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं कर रहे। गाना गाओ थे सब लोग, कह रहे हैं कि वहाँ तुम्हारी सूचना पहले से कोटेदार ने बता दिया। कहने लगे कोटेदार ने बता दिया, तुम खुद गिरी है ऊपर से, अपने अमान से कूद के गिर गई तो मंजिल से। कौन सा गाना गा रहे थे? देर लगी आने में फिर भी आए तो। ये क्यों गा रहे थे? ऐसे ही गा रहे थे, कह रहे थे ये कौन फिल्म का गाना है, पूछ रहे थे। पर वो तो वो खलनायक पिक्चर का, कह रहे थे नहीं वो खलनायक पिक्चर का नहीं है, कोई और पिक्चर का है। फोन में चेक करके हम आपको बताते हैं कौन सा गाना है, किस फिल्म का। गर्दन की हड्डी टूट गई है, पैर टूट गया है, इसमें चक्कू मारा है। मेरी ननद ने और ससुर ने, सास ने, मेरे पति ने। एक का पूनम नाम है, चांदनी नाम है ननद का बड़ियाली, और ससुर का नाम महेश, पति का नाम राहुल। छत से कैसे गिरी? छत से ऊपर से ढकेल दिया गया हमें। तीनों लोगों ने ढकेला, चारों लोगों ने, मेरी ननद ने, मेरे पति ने, मेरी सास ने ढकेला दहेज के लिए।